जद्दारु ब्रह्ममूर्ते प्रणवः तनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानं कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपते वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतेरिते जासक्ततत्त्वे च सगतिं बौधानं बुद्धरूपं रुष भजति वरो जैन सिद्धान्तसारं देवोऽसौ पातु नित्यं कलि कलुषहरं श्रीनीलशैलाधिनाथ। अनंत ब्रह्मांडर हर्ताकर्ता दैव विधाता श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदरे अधम अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु, आपण माने महाप्रभुंकर पवित्र धर्मद्वार सिंहद्वाररु कार्तिक महात्म्य जहाँ ए मासर स्वतंत्र पुराण कार्तिक महात्म्य, ए कार्तिक महात्म्य आपण माने आमर जय जगन्नाथ टीवीरे श्रवण करुछंती। आपण मानकु से महाप्रभुंकर पवित्र सिंहद्वार को स्वागत करुछि पद्मनाभ भगवान पवित्र धाम। ये धाम होउछि स्वतंत्र, सकल देवंकर आल एनुया नाम नीलाचल। ये नीलाचल धाम रे आमे दुई दिन हेला महाप्रभुंकर मध्य क्षेत्रर महात्म्य सहित विशेष भाव रे कार्तिक महात्म्य निर्दिष्ट भाव रे होउछंती आपण मानक पाई ये कार्यक्रम निश्चित भाव रे। सेथि पाई कहा जायछि भगवती माँ सत्यभामांकर पुनर्जन्मर कथा आमे काली आलोचना करिथिले, तेबे आज होउछंती कार्तिक महात्म्यर तृतीय अध्याय। श्री भगवान उवाच, भगवान जहाँ कहिछंती तृतीय अध्याय रे, तेणु ये शंखासुर जी कि वेद हरण करिछंती एवं श्रीकृष्ण सत्यभामांकर कथोपकथन मध्य रे ये पवित्र कार्तिक महात्म्य कथा आपण माने सिंहद्वार रु चुनुछंती। तेणु कहा जाइछि तृतीय अध्याय मुकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरीं जतकृपातमहं वंदे परमानंद माधव मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज कार्तिक महात्म्यर तृतीय अध्याय भगवान कहुचंति सर्वेपि काला वयवास्तव काल स्वरूपिनः मासानं तु कथं नाम समास कार्तिको वरम्। अर्थात आमे प्रत्येक पद कार्तिक महात्म्यर आपण मानक पाखरे पहुँचवा पाई चेष्टा करुचु। आपण माने प्रत्येक दिन ए महान कार्यक्रम देखंतु सुनंतु कार्तिक महात्म्य जहाँ जय जगन्नाथ टीवीरे सिंहद्वाररु आपण माने सुनुचंती पवित्र सिंहद्वार जगन्नाथ महाप्रभुंकर। कहुछि सुण सकल मुनि जने सत्या जे श्रीकृष्ण वचने आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी। भगवान श्रीकृष्ण सत्यभामा को पुनर्जन्मर कथा गत काली ठारू कहुछंति एवं पति चरण तले पड़ी कहई बेनी कर जोड़ी पतिंकर जहाँकि होती
स्वामींकर कथा भगवान श्रीकृष्णंकर कथा को सत्यभामा सुनिबा परे से तांकर कथा कहउचंती एवं इठी सत्यभामा आउचंती अनुरोध करचंती कहले नाथ आउ टिके मोर सुनिबार अछि कोन अनेक त पूर्वजन्मर कथा मु सुनिलानी एवं भुनाथ करो अनुग्रह कार्तिक व्रत कथा कह पूर्वे प्रकाश हेला काहूँ तुम्भर एड़े प्रिय जहूँ आपणकर एते प्रिय व्रत जेहेतु महाकार्तिक मासर अपूर्व व्रत ये व्रत प्रकाश किमिति हेला किए से कला कौन पाई ये व्रतर कथा से कथा टिके श्रद्धापूर्वक तेणु शुणी श्रद्धा मोर भो प्रभु अनुग्रह कर अनुग्रह करी सत्यभामा कहते भगवान श्रीकृष्ण को आपण टे अनुरोध करी ये कथा मत कहतु तेणु सत्यावचने ऋषि के कार्तिक मही माँ विशेष ये कार्तिक मासर महात्म्य महिमा को सत्यभामा को भगवान श्रीकृष्ण कहते कारण पूर्व अध्याय आम आलोचना करते हूँ पूर्व जन्मर कथा से कहते भगवान श्रीकृष्ण सत्यभामा शुणुंब बड़ आनंद स्थान जहाँकि द्वारकार पवित्र गोटे महान कल्पवृक्ष जो कल्पवृक्ष को आम आज श्रीक्षेत्र देखुचे से कल्पवृक्षर मूल भाग स्वतंत्र मंडपटीए से मंडप उपर बसी एक कहते आउ कौन कहले कहले सत्यावचने ऋषिकेश कार्तिक महिमा विशेष कहती पूर्व कला कीर्ति बोलती सुन सत्यावती सत्यभामा को भगवान श्रीकृष्ण कहते मु कहूँ शुण पूर्वे जे पृथु दंडधारी नारद पादे पूजा कोरी ए प्रश्न करी थिले तांकु से कही थिले नृपतिंकु पूर्व काल जने पृथु बोली जने राजा थिले तेणु तांकु होचंती नारद महर्षि कहते जितेबले पृथ्वीराज पचारे ये कार्तिक महात्म्य कथा तेणु ताहा को हुची शुण एवे आउ कार्तिक व्रत र प्रस्तावे ये महान कार्तिक व्रत बड़ होचंती समस्त व्रत मानक मध्यरे श्रेष्ठ व्रत आपण माने आमर श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सिंह द्वाररु जो दर्शक बंधु माने जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे ये कार्तिक व्रतर महात्म्य को शुणुंती निश्चित भाव रे ये क्षेत्र होचंती पुण्य स्थान आ द्वितीय कथाटी होचंती कार्तिक महात्म्य शुणिले मध्य पुण्य हुए तेणु ये महापुण्य निश्चित एतरे संदेह नाही तेणु कल्पअंतरे हुत जुगे धरणी कर्म भोगा भोगे अनंत कोटि जीव जात पालने देव दैव तम संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखाचूर कल्प कल्पांतर धरी बेले बेले रे अनेक असुर माने मध्य जन्म हुवंती तबे कथा होची कौन ना असुर माने मध्य प्रत्येक देवता मानंकु होचंती साधना करि दांती तंकर मंत्र को जप करंती तंकर आराधना करंती तंकर श्रीपाद पद्म रे लय करी सिद्ध साधना करि दांती तेनु संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखाचूर गोटे ए भली जने होचंती अवतार हेले जहां को कहा जाए सिंधु नंदन गोटे महान जी कि असुर विराट असुर भाव रे से होचंती वरुण ठारु जन्म हेले से सिंधु नंदन भाव रे शंखासुर एवं कर्मे असुर बुद्धि घेनी बोले जिनी लालो कोतिनी
आपण मान जानती असुर मानकर कार्य सदाबेळे देवता मान को अतिष्ठ करिबा विभिन्न धर्म कार्य व्याघात सृष्टि करिबा संसार रे धर्म को प्रत्येक ऋषि मुनि माने विशेष भाव जाग यज्ञ तप साधना ये सब करिथांती तेणु शंखासुर कौन कला जेतेबेळे तार होचंती जन्म हला गोटे दैत्य भाव जेहेतु से होचंती स्वतंत्र भाव गोटे दैत्य कूल जन्म से सिंधु नंदन भाव आविर्भाव हो कौन करी ये कर्मे असुर बुद्धि घेनी आउे जिणला लोकती असुर कौन करी ना कहचन जेहेतु तीन पुर कहते से तार दौरात्म्य वृद्धि पाईगला ये ब्रह्मादि सुर साध्य करी सर्वसंपद अर्थ करी। दर्शक बंधु आमे कार्तिक महात्म्यर कथा को संपूर्ण भाव रे कारण प्रत्येक पद मध्य आपण मान पाखरा आमे पहुंचौचु आपण मान घरे रही आमर लक्ष लक्ष जो माने दर्शनार्थी महाप्रभु पतित पावन कर दर्शन करिबा सहित महाप्रभु सिंहकर सिंहद्वारु पवित्र कार्तिक महात्म्यर कथा को श्रवण करिबा ये निश्चित भाव में महापुण्य एतरे संदेह नाई तेणु जय जगन्नाथ टीवी जो प्रयास आम प्रत्येक पद मध्य आपण मान पाखरे पहुँचवा सहित तार व्याख्या मध्य करिबू आ निश्चित भाव में तेणु ये कार्तिक महात्म्य से शंखासुर जेतेबेळे दौरात्म्य करिछि ये वेद पुराण शास्त्र मूले जिणी आणिला भुज बोले भगवान ब्रह्मांकर होचंती मूल से होचंती वेद पुरुष तेणु तांकु वेद ब्रह्मा बोली कह जाए ये जेतेबेळे रे दौरात्म्य करिछि से पर्यायर कौन कला जे बहुचंती गुपते रखी सिंधु मध्य आउ नित्य इरी कूल साध्ये कौन कला ना होचंती स्वतंत्र भाव रे जहा कि ब्रह्मांक ठारु जेतेबेळे रे चोरी करी नहीं गला वेद को सेथिपाई कुहा जाइछि अन्य पुराण मानंकर मध्य कहले शंखासुर वेद चोर प्रभु खोजी आनी मारी तुसे बोर दियंतु स्वामी देवन रहरी शंखासुर जेतेबेळे रे वेद को चोरी करी नहीं गला वेद चोरी हो गला पर आपण माने देखिबे वेद भीतर होचंती संसार चली देवमा देवता माने आस्ते आस्ते निस्तेज होबा को गले भगवान ब्रह्मांकर जेतेबेळे रे वेद हरण हो गला तांकर मध्य आस्ते आस्ते होची सी निस्तेज होबा आरंभ कले तेनु देव उरग जक्ष नर ए सबुठी देला दुख घोर चारियाड़े आस्ते आस्ते गोटे दुखर वातावरण आसला कारण वेद को आधार कर संसार बंची दर्शक बंधु आम वेदोक्त विधान आज प्रत्येक धर्मीय कथा को श्रवण करुचे तेणु वेद जेतेबेळे रे अपहरण हो गला शंखासुर चोरी करी नहीं गला समुद्र गर्भरे अथल गर्भरे नुचे रखी सेतेबेळे रे समस्ते आस्ते आस्ते होचंती निस्तेज हवा आरंभ कले तेणु वेद विहीने मुनि जने आउ मन कले हुतासने वेद विहीन हो जीवारु मुनि माने कौन कले ना होचंती आउ होम हो पारा ना कारण वेद तो चलीगला होम केमी हम होम जदि न हम जाग यज्ञ नपण मैंने देखिए महाप्रभुकर आम जो क्षेत्र ये कार्तिक महात्म्य आप शुणुंट जगन्नाथ महाप्रभुकर पवित्र सिंह द्वार रु महाप्रभुकर आविर्भाव यही हूँ यज्ञ रु से तो कह यज्ञांग रु संभूत यज्ञ धर जागीत प्रभु यज्ञ स्वरूप यज्ञानन यज्ञ कील बाहुक यज्ञ वेदी नायक
अज्ञ की बुझीब गहन हे नीलाद्रिश। प्रभु महाप्रभु मध्य सही यज्ञ रु आविर्भाव एथिपाई श्री श्री कालिया शांतंकर गोटे नाम एवं भी मध्य रही यज्ञोद भव। तेणु से कथा संसार रहला जेतबेले रे वेद को हरण करी नहीं जाइछि शंखासुर। तेणु संसार न भवि न पाई सुर लोके आउ बंचंती दुख अतिरे के। जदि देवता मानंकु होचंदी हबि न दिया जीव हबि कहले आहुति गुआ जाए। तेणु देवता मानंकु जाग यज्ञ रे आहुति प्रदान एथिपाई करा जाए जे ये संसार मंगल उद्देश्य रे। आपण माने देखिबे ये महाकार्तिक मास रे एथिपाई विभिन्न स्थान रे जाग यज्ञ होम इत्यादि तपस्या अनेक जप तप इत्यादि करा जाय थाए। कारण जो होचंती व्रतधारी माने जप तप करबा सहित अन्यान्य स्थान रे मध्य होचंती जाग यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान हुए महाकार्तिक मास रे। एथिपाई तो ये मासर नाम पूर्वर महाशब्द लगी कारण महाप्रभु होती महाप्रभु एवं जहाँकि कार्तिक मास विशेष भाव महाकार्तिक जेहेतु ये महाकार्तिक मास रे भगवान को स्मरण करी जो माने जाग यज्ञ करती देवता माने होती प्रजा मान को आनंद पालन करेंगे से कहुई ये संसारे न पालंती भोले शस्य विहीने जंतु भोले। जेतेबेले जाग यज्ञटा कमीगला वेद चोरी हो जाइछि सेतेबेले रे कौन होला ना शस्य आउ होला नाही। कारण जाग यज्ञ द्वारा वर्षा हुए वर्षा हेले जाउचंती शस्य हब शस्य हेले सारा संसार बंचिब। तेनु विशेष भाव रे जेतेबेले आउ होला नाही ये हाहाकार आस्ते आस्ते पड़गला से पर्याय कौन हो देखी देव परमेष्ठी वेदविहुने मन कष्टी। भगवान ब्रह्मा वेद जेतबेले अपहरण हो जाइछि आउ तांको बुद्धिबाट देखा जाउ नाही वेद मध्य से उच्चारण करि पारु नाहंती ए सब गुड़िक आस्ते आस्ते निस्तेज धइला एवं आउ कौन कले ना सकल सुर मुनि तुले वैकुंठ भुवन कु गले। सकल देवता माने चिंता कले कले आउ उपाय नाही तेबे समस्त देवता माने निस्तेज होले संसार रे होचंती शस्यर अभाव है विशेष भाव रे शस्य मध्य आउ हौ नाही भोक कष्ट रे होचंती समस्त जीवजंतु अतिष्ठ आरंभ कले। तेणु वैकुंठ को होचंती समस्त देवता माने जीवा पाई स्थिर कले एवं विष्णु रो जोग निद्रा काले समस्ते श्रीपंकज तले। भगवान विष्णु श्री अनंत साई जहाँ को आम होती शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम जोगिर्भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। महाप्रभु से शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान नारायण अनंत शयन रे एक भा जहाँकि भगवती देवी माँ हौ जगत जननी महालक्ष्मी सरस्वती भौचंती मस्तक भागरे बिना बादन करुछंती वैकुंठ रे देवता माने देखिले वैकुंठ साई विष्णु को जाई ये गुहारी न कले संसार रहिब नाही। एही अवस्था रे समस्त देवता माने चलिले बहुचंती वैकुंठ को। तेणु विष्णु रो जोग निद्रा काले समस्ते श्री पंकज तले। भगवान कर पाद पद्म पद्म पुराण रो कथा ये कारण कार्तिक महात्म्य सेति पाई पद्म पुराण रे प्रथम श्लोक कहा जाय छी कले नमामि गोविंद पदारविंद सबेन्द्रानंदन भो तमाध्यम
जगत जनानाम हृदि सन्निवेष्टो महाजमकाय नमुत्तमुत्तमम नमामि गोविंद पदारविंदम। से गोविंदंकर पदारविंद को लय करी प्रत्येक देवता माने आनंद रे चलिले एवं वैकुंठ रे पहुंची भगवान को स्तुति कले, भगवान को ध्यान कले, कले प्रभु आपण होचंती ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता आपण को होचंती प्रणाम करुचु प्रणाम करुचु। देवता माने समस्ते जाई पहुंची जेतेबेले रे प्रभु को वैकुंठ साई विष्णु को पाखरे पहुंची प्रणाम करी कहउचंती कले नमस्ते प्रभु ब्रह्म राशि प्रभु अशेष गुण ग्रामवासी। आपण अशेष आपण सर्वगुणर अधिकारी देवाधि देवराज मणिमा आज आपणकर आश्रय पाई आम आसीचु कारण आम सब निराश्रय हो गलाणु कला निराश्रयर आश्रय प्रभु भक्त जनर तुम्भे अभय दयामय हे अथय कुकर थय दयामय हे। समस्त जाई जेतेबेले रे पहुंची गले अनंत साई विष्णुंकर दरबार रे वैकुंठ रे पहुंची जाइचंती भगवान वैकुंठ साई विष्णु आनंद रे से शयन करिचंती निद्रा समय ये स्तुति कले सकल लोक परे रही भाव विचारे भाव ग्राही तू अंतर्गत वार्ता जानू तोते गोचर सरब जेनु। समस्त देवता माने कहउचंती प्रभु आपण को आमे गोटे कहिबु कौन जे अंतर्ज्यामी आपण तो सब जानिला वाला सबेति वेद्यम न तत स्याति बेता जिए समस्त को जानिछंती केही जानी पारंते नाही तांकरि पाखरे जाई पहुंचिछंती। ए कार्तिक महात्म्यर कथा आमे आलोचना करूचे प्रत्येक पद आपण मानक पाखरे मध्ये आमे पहुंचेबा पाई प्रयास रखिचु कारण आपण माने घरे रही महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्ररु जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे जहाँ ये कार्तिक महात्म्यर कथा श्रवण करुछंती देवता माने स्तुति करुछंती कहले प्रभु तू अंतर्गत वार्ता जानु तुते गोचर सरब जेनु जे जन महाभय पाई तोर चरणे चित्त देई शरण जानती तोर पाद तू तांकु रखु अप्रमाद। तोर जी शरण जाए तोर ना हूँ शरण रक्षण आपण माने देखुचंती महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे पतित पावन बाना तार अन्य नाम मध्य होचंती शरण रक्षण बाना कारण प्रत्येक मानव को जी शरण देई थांती प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक जीव महाप्रभु को पाखरे समर्पित होई थांती। सेई देवाधि देवराज मणिमा कोटि ब्रह्मांडर देवता कालिया शांतंकर सिंह द्वाररु आपण माने पवित्र कार्तिक महात्म्यर कथा देवता माने स्तुति करुछंती कहले प्रभु शरण जानती तोर पादे तू तांकु रखु अप्रमादे विनाशु विपद वेदना तेणु तो नाम वज्र सेनाम। एथिपाई बोध हुए प्रभु आपणकर नाम होउछि वज्र सेना तेणु आतंक काले वज्र सेना बोली मध्य कुआ जाइछि सेथिपाई प्रभु विनाशु विपद वेदना तेणु तो नाम वज्र सेनाम तेणु सकल लोक पाळू आउ शरण तोर पाद तल। आज आम समस्ते तोर पाद तल रे शरण जाऊचु समस्ते निस्तेज हो गलाणु
वेद विहीन सब निस्तेज हो गला शस्य नाही चारिआड़े गोटे हाहाकार पड़ा वेद को हरण कर शंखासुर नहीं अवस्थार कथा भगवान को देवता माने जाय स्तुति करुछंती महाप्रभु कौन कले ना प्रसन्न होई दुख देख घोर असुर दंडूर ख सागर सुत शंखासुर बोले हरिला वेद मोर भगवान ब्रह्मा कहते सागर सुत जी कि होती शंखासुर वेद को हरण करी नहीं रखी तेणु से वेद को जेहेतु हरण करी नहीं गला से दिन ठारू संसार रे गोटे हाहाकार पड़ जाइए आपण रक्षा नकले आउ कही रक्षा करिपारिबे नाही कारण भगवान आमे माने जो अनंत साई विष्णु कथा आलोचना करुचे से महाप्रभु कालिया शांते महाप्रभुंकर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र होची नित्य निवास यही होचंते वैकुंठ देवता माने समस्ते इठी अछंति पुरुषोत्तमाख्य इथिपाई महत क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्री समानुसलीलया जो क्षेत्र रे महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र धाम रे मनुष्य लीला करिबा सहित प्रत्येक जीवर दुख सुख को बुझी थांती तेणु प्रत्येक जीव तांकर शरण रे थाए से दिन मध्य वेद विहीन जेतेबेले हि जाइछि संसार ब्रह्मा जाई स्तुति करुछंती बासव स्तुति करुछंती समस्त देवता माने स्तुति करुछंती महाप्रभु कौन कले अरे रखिला दुर्गम जलधि तेणु सरिला मोर बुद्धि ब्रह्मा कहिले अथल समुद्र गर्भरे जेतेबेले नै वेद को रखिला सेतेबेले मोर विद्या बुद्धि सब हज होती हरण हो जाइए तेणु आंभ गुहारी कर्णे सुण असुर मारी वेद आण भगवान ब्रह्मा स्तुति करी महाप्रभु को कहिले कहले आमर गुहारी आपण शुणतु से असुर को विनाश करी वेद को उद्धार करंतु नचेत संसार प्रभु रहिबो नाही तेणु वेदांग नाम तोर कही मोते उधार नाथ तुहि ब्रह्मा जाई स्तुति करी काकुते विनती हेई वैकुंठर द्वार देशरे भगवान को कहउचंती हौच वेद को महाप्रभु उधार करंतु कारण वेद विहीन हेई गेले ये संसार आउ बेसी दिन रहिबो नाही सेथिपाई यही भली भाव रे स्तुति करी कले यमंत बोली स्तुति भणी जानिले प्रभु चक्र पाणी भगवान जेतेबेले रे जानिले देवता माने तांकु स्तुति करुछंती से अंतरज्यामी चिंतार्थी चिंतामणि तेनु सेथिपाई कहा जाए तांकु जिए जेउठारे स्तुति कले मध्य महाप्रभु सुनी थांती एतरे संदेह नाही सेथिपाई कहा जाए प्रभु निद्रा उपेक्षी नरहरी पद्म आसने विजे करी निद्रारु महाप्रभु उठिले आ निद्रारु उठी तापरे पद्म आसन कारण प्रभु होचंती सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम संहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम से होती चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म को रखिदे महाप्रभु अति प्रसन्न चित्तरे जेतेबेले देवता मानक स्तुति गोचर हो गला महाप्रभु कौन करिछंती पद्मासन रे बसी कहले ब्रह्मांक मुख चाही धीरे बोलंती सुण सर्वसुरे जेउनिमन्ते अच्छ आसी तबे आम्भे जानिलु ता विशेषी भगवान कहउचंती आपण माने समस्ते जेउ सकासे आसीचंती मु से कथा जानिलाणी निश्चित भावरे जे अछि करी
अछि तुम्भ सिरी प्रभु सागर अंशे अवतरी। भगवान कहते जी तुमको हरा श्री को हरण कर से सागर भितर बुड़ी अच्छी मु तार संदेश जान ला तेणु निश्चित भाव मुहि हरिबी तार प्राण एवे समस्ते तुम्हे सुन। भगवान कहते प्रदेवता मान को कहले अरे से जो जीए नहीं ध्यान बल जान ला जे से सागर गर्भरे रही निश्चित भाव ताकू हतश्री करी निश्चित तुम मान को उधार करे संदेह नहीं कई विष्णु उवाच भगवान विष्णु कहते भगवान विष्णु कौन कहले कहले आज ठारू ए देवगण करिबे यज्ञ आचरण तुम्हें गोटे काम कर आज ठारू तुम मैंने सब जाओ जाग यज्ञ आरंभ कर तुमर आउ अनिष्ट हेना भगवान होती वेद आसी पहुँचब तुम्हें जाग यज्ञ आरंभ कर एवं कार्तिक मास प्रात स्नान आवर तूल श्री सेवन ये महाकार्तिक मास रे आपण माने देखिबे विशेष भाव तुलसींकर सेवा कारण वृंदावतींकर बहुचंती वृक्ष मूल रे सेवा विशेष भाव रे करा जाय थाए एवं प्रात स्नान को गुरुत्व दे जाय छी। तार कारण होउची प्रभात जस्मरे नित्यम दुर्गा दुर्गा क्षर द्वयम् आपदम स्तस्य नश्यन्ति तमो सूर्योदये यथा विशेष भाव रे जेहेतु प्रात स्नान को स्वतंत्र भाव रे प्राधान्यता दिया जाय छी तेनु जे माने कार्तिक व्रत करिवे से माने कौन करिवे ना प्रात स्नान करिवे। प्रात स्नान होउचंती आमर पूर्व काल रे एबे त सब प्रायत घर मान करे गाधुआ घर हेलाणी आपण माने देखिवे ये स्नान मध्य स्वतंत्र कारण जो माने प्रात स्नान करिवे प्रात काल रु उठी सज्जा त्याग पूर्वक गोविंदंकर नाम को स्मरण करी से सज्जा उपरे जो माने दर्शक बंधु ध्यान दियंतु आमर ये जो महाकार्तिक मास रे पवित्र कथा सिंहद्वार रु आपण माने सुनुचंती ये प्रत्येक दिन मध्य आमर कार्य रे लागिव कारण जो माने प्रात काल रे सज्जा त्याग पूर्वक प्रभात जस्मरे नित्यम दुर्गा दुर्गा अक्षर द्वयम् दुर्गा दुर्गा अक्षर दुई अक्षर को स्वतंत्र भाव रे तांकर स्मरण करी थांती से दिनक पाई तांकर होचंती सकल रिष्ट खंडन हुए तेरे संदेह नाही कारण दुर्गांकु स्मरण करिबा सहित भगवान नारायणंकर पदारविंद रे होचंती तब स्तुति करिबा एवं नारायणंकर उपासना कले आमर अनंत जन्मर जेते पापराशि ताहा ध्वंस होइथाय सेथिपाई प्रात स्नान करा जाय। प्रात स्नान करी स्नान करिबा परे भगवान सूर्य नारायणंकु मध्य कारण आमर देवता मानक मध्य रे विशेषतः आपण माने देखिबे सूर्य नारायण को प्राधान्यता दिया जाय छी कारण पंचदेवता मध्य रे सूर्य नारायण होचंति प्रधान देवता सेथिपाई प्रात काल रे महाकार्तिक मास रे एबे त आउ होचंति विशेष अछ पुष्करिणी रे स्नान कदबा क्वचित स्थान रे होची कारण पूर्व काल रे नद नदी तीर्थ पुष्करिणी एई सब स्थान रे प्रायतः स्नान करि थांती एबे सब घर मानक रे मध्य अभिशाली माने स्नान कलेणी तबे जाहु जेते बेले जहा संसार रे पहुचुची से अनुसार तो चली तबे जो माने मध्य पुष्करिणी रे भी स्नान करुचंती जो माने श्रीक्षेत्र आसी हविष्य करुचंती से माने विभिन्न प्रकार आमर पुष्करिणी अछि नरेन्द्र पुष्करिणी एवं इंद्रदमन एतत व्यतीत भगवानकर मार्कंड पुष्करिणी विभिन्न श्वेत गंगा ये सब महान तीर्थ पंचतीर्थर मध्य स्नान कले अक्षय पुण्य हुए यह मध्य धर्मशास्त्र रही ये प्रात काल रे स्नान को गुरुत्व दिया जाइछि
एवं भगवान सूर्य नारायण को जो माने जल अंजलि दियंती नमः सवित्रे जगद एक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारणम विरंचि नारायण शंकरात्मने नमो नमः। प्रातः काल रे जे कोनोसी पुष्करिणी रे स्नान पूर्वक सूर्य नारायण को तीन अंजलि स्वतंत्र होचंदि जल प्रदान करी जो माने प्रणाम टिए करंती कारण भगवान सूर्य नारायण जे कि नमस्कार रे प्रिय विशेष भाव रे महाकार्तिक व्रतधारी माने मध्य जल अंजलि टेकी थांती सूर्य नारायण को प्रणाम करी प्रातः कृत्य समापन पूर्वक ता परवर्ती पर्याय रे ता होचंती चौरा मूल रे पूजा करिवे कहले वृंदावती कारण तुलसी गछ मूल रे विशेष भाव रे पूजा अर्चना रे विधि तेनु ये मध्य महाकार्तिक मास रो विशेष विधि विधान यही कथा कहा जाइछि। तबे शंखासुर को जत बेले रे होचंती हत करबा पाई भगवान प्रतिश्रुति दे देले देवता माने आउ सिठी रहिले नाही कहले अच्छा ठीक अछि आपण मणिमा आपणकर जहा इच्छा आपण करंतु आमे चालिलु तेनु ये माने समस्त देवता माने आसी जाग यज्ञ ठारु जे जहा कार्य रे जिए चालिले भगवान कोन कले कले होई ये कार्तिक मास तेनु होईबे निरामिष भोजी आउ क्रोध मच्छर मोह तेजी। ए कार्तिक मास रे आपण माने देखिबे पंचुक पड़े ताको बग पंचुक मध्य कहा जाए आमर लोकाचार कथार अच्छी बग मध्य होती आमिष भक्षण करे ना से निष्ठा काष्ठार सहित ए महान कार्तिक मास जेतु जलभाग रे भगवान विष्णु विराजमान करी से प्रातः स्नान जलभाग रे पुष्करिणी मानक नदी मानक तीर्थ मानक करे अक्षय पुण्य होई थाए एवं कौन हुब ना सकल विघ्न जीव क्षय मरिब से दनुतनय जेतु भगवान प्रतिश्रुति देइचंती निश्चित भाव रे असुर को मु मारी वेद को उद्धार करी एठी जहाँ कि होचंती तृतीय अध्याय टी बढ़ी एवं आमे यहाँ परे चतुर्थ अध्याय मध्य होचंती आलोचना को जीवा तेनु कहई महादेव दास कार्तिक व्रते हरि तोष धन मर्यादा अबंत हेब आउ श्रीहरि रूप को पाइब। एठी महाकार्तिक व्रतर जहाँ कि महात्म्यर कथा द्वितीय अध्याय बढ़ी इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य श्रीकृष्ण सत्यभामा संवाद शंखासुर वेद हरणे नाम तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय मध्य आरंभ होइछि। एठी नारद महर्षि कहउछन्ति पूर्व कथा अनुसार कारण शंखासुर को भगवान बद्ध करबा पाई आविर्भाव हेबे बड़ विचित्र प्रकार रो महाप्रभुंकर लीला तेनु विशेष भाव रे नारद उवाच कहा जाइछि इत्युक्त्वा भगवान कृष्ण सफरी तुल्य रूप ध्रो उत्तपपातंजल विंध्यवासिन कश्यपस्य अर्थात नारद कहउछन्ति कौन ना आसंता काली एकादशी अश्विन शुक्ल मृग राशि आपण माने देखिबे एथिपाई श्रीक्षेत्र रे महाकार्तिक व्रत अनेक व्रतधारी माने अश्विन मासरु करंती अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी जहाँ को आम होती गोसाणी एकादशी बोली कहता है पाप नाशिनी एकादशी गोसाणी एकादशी तेणु से विशेष भाव होती ये कार्तिक व्रत अनेक व्रतधारी करती जहाँ को पद्म पुराण अनेक व्रतधारी तो होती कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदारु करुले ये क्षेत्र मानक पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जो माने व्रत करिवे समान मध्य आश्विन मास शुक्ल पक्ष पवित्र गोसाणी एकादशी रु व्रत करि थांती से कथा मध्य पद्म पुराण रे कहगला कहले आसंता काली एका
द्वादशी आश्विन शुक्ल मृग राशि रक्षधनिष्ठा पुण्य काल सर्वमंगल जोगे बल समस्त मंगल को अंगीकार करी कारण भगवान होचंते मंगलमय भगवान को स्मरण कर देले सब मंगल हो जाए एथिपाई प्रातः काल रे आमे स्मरण करे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाख्यो मंगलम गरुड़ध्वज महाप्रभु कर नाम को स्मरण कले निश्चित मंगल हुए एवं प्रभु कौन कले ना मीन स्वरूप सिंधु तीरे आउ प्रवेश हंती जे जाहा रे प्रभु मीन स्वरूप सिंधु तीर जितेबले रहउचंती आसिले भगवान कहउचंती कले मुहि होइबी मत्स्य रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी भगवान जितेबले रे मत्स्य रूप को धारण करबा पई कहउचंती एथि पई कह जाय प्रभुंकर आद्य अवतार होउचंती मीन अवतार तेनु आद्य अवतारे हरि मीन रूपे जले लक्षे क योजन सिंधु विक्रमी लहेले बड़ सुंदर कथा भगवान होउचंती आविर्भाव हेबे धरा पृष्ठ रे कह पाई ना देवता मानक पाई भक्त मानक पाई इथिपाई तो महाप्रभुंकर आविर्भाव परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे धर्मर रक्षा पाई जुगे जुगे भगवानकर आविर्भाव हुए प्रभु कहिले कहले मुहि होइबी मत्स्य रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी भगवान कहुचंती मु मत्स्य रूप रे नदी सरित व्यापिकरी होचंती प्रकाश हेबी एवं खोजी मारिबी वेद चोर जाओ संशय करी दूर देवता मानंकु शेष पर्यायर भगवान कहिले मु निश्चित भाव रे वेद उद्धार करी आनिबी होचंती मत्स्य अवतार हेबी या मध्य संदेश दे देले एवं हरिया देशे शिरघेनी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी बारी दर्शक बंधु इठी गोटे होचंदे अभूत घटना घटिला कौन ना देवता माने देखिले जे भगवान मत्स्य रूप धारण करिवे तेणु आउ अन्यान्य देवता माने मध्य जलभागरे पसिले कहले अरे भगवान जेहेतु होचंती मत्स्य रूप हेबे से माने मध्य बेश बदलैले समस्त होचंती सेई मीन रूप ही बुड़िले कहले होचंती प्रभु जेतेबेले आविर्भाव हेबे देवता माने कोठि रहिबे से माने मध्य सेई जलभाग को प्रवेश करबा को चालिले तेणु विविध मुन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी बारी एथु अंते जे सुन सती ए आदि अवतार कीर्ति सत्यभामा को भगवान कहउचंती कारण भगवान श्रीकृष्ण सत्यभामा को एही कथाटी कहउचंती जे होउचंती एया सबू हेइथिला तेनु सत्यभामा सुनुचंती कौन हैला ना कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते बास करी कश्यप ऋषि जांकु कश्यप बोली कहा जाए माने महान होउचंती ब्रह्मज्ञानी ऋषि कश्यप ऋषि से कौन करिसंती विंध्य पर्वत रे तपस्या करथांती आमर भारत वर्ष को सेथिपाई दुई भाग रे विभक्त करा जायछि विंध्य पर्वतर दक्षिण देशवासी विंध्य पर्वतर होउचंती उत्तर देशवासी विशेष भाव रे विंध्य पर्वतर उत्तर भाग रे कश्यप ऋषि तपस्या करथांती एवं विष्णु संतोषे
प्रत्याशे रही जे थिले चतुर्मासे। आमर गोटे चतुर्मासिया व्रत अछि, तेन विशेष भाव रे ऋषि मुनि माने से व्रतटी करिथांती। सेथिपाई काश्यप ऋषि विंध्य पर्वत को जाई से चतुर्मासिया व्रत करूथिले। जेतेबेले रे जानिले जे ए संसार रे गोटे अपूर्व प्रकार रो होचंती असुविधा आसी, वेद को हरण करी शंखासुर नहीं जाइछि, ध्यान बल रे मध्य जानि पारुचंती, एवं भगवान आविर्भाव हेबे एक कथा मध्य जानिले, कारण ऋषि मान को सबु जणा एई पर्याय रे कोन हेले ना से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूळु भेदी। सरस्वती नदीर मूल देशरे जहाँकि विंध्य पर्वतर होती सेठी तार विंध्य पर्वत को लागिकी सरस्वती नदी से स्थान स्नान दान जप तप इत्यादि जी कि काश्यप ऋषि करिथांती। तेणु काश्यप ऋषि प्रचंड ज्ञानी चतुर्मासिया होती व्रत करुले। तेणु दक्षिण साग रगामिनी से जले प्रात स्नान मुनि। तेणु से समय प्रात स्नान करबा को जाइछंती, अण उदय स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी। अण उदय कहिले सूर्य उदय न हबा पूर्वरु जो माने स्नान करंती आपण माने देखिबे मुनि ऋषि माने सूर्य उदय पूर्वरु स्नान करिथांती, कारण सूर्य उदय पूर्वरु स्नान कले से स्नानटी होची ऋषि स्नान। जदि भगवान सूर्य प्रकाश हो गले से स्नान होचंती साधारण अधम ताकु कह जाए मध्यम स्नान। सूर्य जदि संपूर्ण प्रकाश हो गले ताले अधम स्नान। तेणु विशेष भाव रे जो माने सूर्य उदय पूर्वरु स्नान करंती भगवान कर मध्य कृपा तांको ऊपर रहे। एथिपाई प्रात स्नान बोली कह जाए होचंती प्रात स्नान कले अनेक रोग मध्य नाश हुए, यह होची बहुत आमर धर्मशास्त्र रो कथा। तेणु काश्यप ऋषि अण उदय समय अर्थात सूर्य उदय हेले भगवान सूर्य को डाकिबे जे उदयगिरी निवासम स्तप्त हेम प्रकाशम, आपण प्रकाश हेले मोर होचंती कौन करंतु ना होचंती सूर्य नारायण को एथिपाई कह जाए स्तिमिर पटल हंता सर्वलोकैक चक्षु गगन तल बिहारी बांधव पद्मिनी नाम सदहत मम पापम भास्करम तुम नमामि। प्रात स्नान करी सूर्य को दर्शन कले पाप खंडन हुए, भगवान सूर्य नारायण पाप खंडन करती। ऋषि कौन करिसंती ना सूर्य नारायण को डाकी संध्या करुचंती। तेणु संध्या कहले आमर त्रिकाल संध्या अछि, तेणु तीन भाग संध्या को विभक्त करा जाइछि आमर वैदिक विधान अनुसार प्रात संध्या मध्याह्न संध्या सायम संध्या। तेणु ए संध्या जो माने करंती संध्या तर्पण जाग यज्ञ कले तद्वारा कौन हुए ना संसार मंगल हुए। जेहेतु ऋषि होती कश्यप ऋषि से संध्या करुथांती, संध्या करी जल अंजलि सूर्य नारायण को दौंती। समय कथा क्या दौथांती ना देवता पितृ आवाहने संतोष करी जल दाने। देवता मानंकु पितृमानंकु एवं देव दानव गंधर्व यक्ष पर्णंग किन्नर समस्तंकु तृप्त करिबा पाई अर्घ्य प्रदान करा जाय थाए। तेणु आपण माने देखिबे ये मध्य एक प्रकार यज्ञ प्रातः काल रे जो माने होचंती देवता मानंकु अर्घ्य प्रदान करंती एवं पितृमानंकु पितृमान होचंती ऋषिभ्य पितरो जाता पितरो देव दानवा एगुड़िक मध्य आमर आप्त वाक्य रे सेतिपाई रहिछि नित्यर व्यवस्था ये। तेणु काश्यप ऋषि संध्या करुथांती। एहि समयर कथा आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदक अंजलि। जेतेबेले रे उदक अंजलि उदक कहिले अर्घ्य अर्घ्य कहिले केते गुड़िए द्रव्य को मिसेइले उदक होउचंती प्रस्तुत हुए। तेणु आपण माने देखिबे जो माने कार्तिक मास रे जल रे स्नान करबा को जानती से माने मध्ये राशि टिके नै थांती, कारण राशि टिके होउचंती जल रे पकई ता होउचंती विशेष भाव रे
दुब टिके राशि टिके हलदी टिके ए प्रकार प्रस्तुत प्रक्रिया को उदक बोली कहुए तेणु ताकू हूँ जल रि आम अंजलि दबा निश्चित भाव में आमर कल्याण हम तेणु काश्यप ऋषि जेहेतु प्रचंड ज्ञानी सी ताद कौन जनाना से उदक अंजलि की जिते बारे भगवान सूर्य नारायण को समर्पण करध्या करने समय नर हरी क्षुद्र सपरी रूप धरी भगवान आविर्भाव हेले महाप्रभु केते बेले रे आपण माने देखंतु से समय किभली भाव रे प्रातकाल काश्यप ऋषि संध्या तर्पण करुछंती नदीर होउछंती से जो पुष्करिणीर पाखरे कारण गोटे संगम स्थान कारण सरस्वती एवं सागर गोटे संगम स्थान पवित्र स्थान रे जल अंजलि देइछंती भगवान आविर्भाव एही स्थान रे हुंती काश्यप ऋषि पाखे भगवान आविर्भाव हमें केमी कौन आम पाखे एवं आमर से भाई निष्ठा हेले सिना महाप्रभु आमको कृपा करिवे एथिपाई महाकार्तिक मास होउछंती महान मास ए कार्तिक महात्म को आपण माने आमर जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे सिंहद्वार देखिबा सहित ये महात्म कथा शुणुंती ये शुणिले पाप खंडन हम कारण ता कार्तिक महात्म कही जे कि हूँ पद्मपुराण व्यास स्वयं निजे जहाँ को महादेव दास आमर उत्कल अनुवाद कर जहाँ घरे घरे आम कार्तिक महात्म श्रवण करुचे एथिपाई आमर ये प्रयास महाकार्तिक मास रे महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रु आपण माने जय जगन्नाथ टीवी रे भक्त प्रत्येक भक्त माने कार्तिक महात्म सुनिवार सौभाग्य पाउछंती आमे आज के तीन दिन है प्रत्येक दिन आमर कार्तिक पुराण ये कार्तिक महात्म पाठ करा जाउची एही समय रे भगवान सफरी रूप दईले सफरी कहिले मीन रूप मीन से कहुई प्रलय पयो धीज ध्रुतवान सी बेदम विहित्र बही त्रचरी तम के दम के सब ध्रुत के सब ध्रुत प्रभु मीन सरी र जय जय दे बहरे बड़ा सुंदर भाव रे जयदेव गोस्वामी दशावतार प्रथम अवतार को उपस्थापित करिसंती काश्यप ऋषि जल अंजलि जेते बेले सूर्य नारायण को दौंती अर्थात ऊर्ध्वभाग को चाहिसंती काश्यप ऋषि कारण सूर्य नारायण ऊर्ध्वमार्ग व्यमाकार आकाश मार्ग रे तांकु चाहि जल अंजलि दे जेते बेले तळ को चाहिला बेले को गोटे मीन स्वरूप टिए देखिले एवं ऋषि की कोले उत्तपति देखी संतोष महाज्योति मने विचारी महारुचि ए मीन मान भय आसी ऋषि भाविले बोधे ये मीन को बोधे कौन सी बड़ माछ गोड़ेची खाइबा को आ सेथिपाई ये भयरे आसिकिरी मो पाखरे पहुँचिची अर्थात तांकर ठीक जल जो स्थान रे दौछंती से अंजलि भितर पहुँचलानी यही अवस्थार कथा सुंदर भाव रे भगवान जिते बड़े आविर्भाव हंती से स्थान आनंदमय हो जाए शरण मोर कर स्थले जत्ने रखी कमंडले काश्यप ऋषि चिंता कले जदि मुझे छाड़देवी या को बड़ बड़ जो माछ अच्छा खाईदे तेणु ये जेहेतु भयरे आसी मो पाखे पहुँची कारण से कालटा उत्तम काश्यप ऋषि संध्या तर्पण करवता मान को अंजलि दौंती ठीक भगवान नारायण ना धरिकी जिते बड़े अंजलिटा दे हाथा तल को आलुक आंजुला गोटे मीण आसिक विकल झाटी पिटी ये भाविले या बोधे किए गोड़ेला अवस्थार कथा अंजलि धरवा भितर आस्ते आस्ते से मीनटी होती काया विस्तार कला हठात के मीन एत बड़ हो पारना जमी अंजलि आस्ते आस्ते बढ़िया आरंभ कला
काश्यप ऋषि सेठ चिंता कले कले अरे कि आश्चर्य कथा आज पर्यंत यह क्रिया हो सबुदिन ये तर्पण करुची सबुदिन जल अंजलि देउची नित्य स्नान करुची इमिति केबे घटे ना तबे ये कारण कौन ये मीन कौन आस्ते आस्ते पुणी बढ़ला मो हाथ में तेणु यमंत विचारी मन रे रखिले कमंडल तीरे कहले छाड़ से जहाँ बढ़ुची बढ़ू थीर के नहीं कमंडल भितर भर्ती करदे आपण मैंने देखिए माछटी जदि मरीगला ताले ताको आमिष कहा जेपर्यंत माछटा बंचीची से पर्यंत मंगल एथिपाई ताको आमिष कह जाए ना ये हूँ बड़ा विचित्र कथा तेणु पानी केबे आमिष हुए ना पोखरी आम गाधौ आमिष हो ना जिते माछटा मरी जाऊँगी घर को आई ग्रहण करती ना ये हूँ आम भारतीय धर्म संस्कृति विधि व्यवस्था एथिपाई दर्शक बंधु सेठी सैया जितेबले सद्य मत्स्य होती कमंडल भर्ती करदे से कमंडल जल मध्य मारा हलानी कहीं आमर यहीपाई कहुची सद्यम मत्स्यम घृतम बा दधि मधुर जतम कांचनम शुक्ल धान्य मुकुता माणिक्य लाजा सुकपिक नकुला कुर्बंतु ते मंगलम आपण माने झीओटी विवाह करिवे पुओटीए भाउचंती विवाह करिवे मंगल कार्य करिवे सद्य मत्स्य जोटी माछ खेलु थिवो से स्थान को जाकर जदि देखी मुंडियाटीए मारी आसी आपण मंगल कार्य रे बसिबे तबे आपणकर कार्य आउरी मंगलमय हम एथिपाई कह जाइछि काश्यप रूपेशी से चिंता कले कले जाहु ये माछटी की कौन करचंती मीनटी की कमंडल रे भर्ती कले तापर कौन हो ना उत्सर्गे दिशे मोर काए जेतेबले रे कमंडल भितर भर्ती करदे सी तापर मीन डाकवा कथा के काश्यप शुणी ना जीवन रे से कौन कला ना डाक इख तपशील ये जे संकीर्ण कमंडल जो कमंडल काश्यप ऋषि मीन टी भर्ती करदे मीन ता भितर डाक पकाउची हे ऋषि श्रेष्ठ तपनिष्ठ आपण मत रक्षा करतु कारण मु या भितर अण निश्वासी होगला अर्थात तो काश्यप जितेबले चाहला बेलू मीनटा एड़ी टिके थिला देखी थिले से एड़बड़ हो कमंडल जगह धरूनी खुलर बड़ विचित्र कथा आश्चर्य पड़े महर्षि चिंता कले कौन करे कहले उत्सर्गे दिशे मोर काए मने उपुजे महाभये पुणी चिंता करुंचंती कहले कौन कौन सी मायावी असुर पशिगला कि कारण असुर माने विभिन्न प्रकार रूप धारण कर पारती ऋषि चिंता कले हौ देखा कौन हो तेणु कौन करे ये सारस गण देखी ने तू मोते रख भल ठावे से माछटी कथा कहू यहा हूँ सबुठारु आश्चर्य कारण माछ कथा कहवा के काश्यप ऋषि पूर्वर देखी नथिले मरीचिंकर पुत्र काश्यप ऋषि प्रचंड ज्ञानी चिंता कले कले अरे ये मत्स्य होती कथबार्ता करुची तबे ये साधारण मत्स्य नुह तेणु कहते मत अलग कौन सी गोटे सर ह्रद को नहीं जा ना आउ किए मत यू रही पारना अण निश्वास हो तेणु शुणी कश्यप मोहारु आउ से मीन कूपरे काश्यप ऋषि कौन कले ना मीन टी धरी नहींकर पहुँचे गोटे कूर छाड़देले कहला अरे कमंडल सीना अण निश्वास है कूर छाड़ दबा तार से जहाँ बढ़िया कथा बढ़ू तेणु ये कू भितर थाउ काश्यप कू भितर लेकिन मीन टी छाड़ा पर देखिले तो ही पूरीला कोले बोरो ता देखी मरीची कुमार मरीचिंगर पुत्र काश्यप देखिले कोले बोरटा एत आस्ते आस्ते बढ़ला से कू भितर मध्य बढ़ी बढ़ी कि विराट काय हलानी
कश्यप ऋषि आहुरी आश्चर्य होई कहले प्रभु आपण किए से मुझे जानी पारु ना ही, ये कूँ भीतर भी जगह धरलानी यही अवस्था पहुँची शेष पर्यायर मत्स्य को उद्धारी तोरी तो आउ सन्निधे थिला जे सरित पाखरे गोटे सरित कहले गोटे होती गड़िया जहाँ को आम साधारण गाँवली भाषा गड़िया कहीपर छोट पोखरी कहीपर यही सब हूँ छोटिया छोटिया गड़िया पोखरी को सरित कहा जाए तेणु तार गोटे धार विभिन्न स्थान को बेले बेले थाए तेणु से नहीं कि छाड़देले आ छाड़देला तही प्रवेश नहीं कले से मीन सरते बढ़ले से पोखरी भितर जो छोटिया पोखरी टे भर छाड़देला काया विस्तार करवा आरंभ है काश्यप से जान ले जे ये होती निश्चय विष्णु माया तेणु जस्मात सर्वमिदम प्रपंच सहित माया जगत जायते जस्मिन तिष्ठति चांति चांत समय कल्पानुकल्पे पुनः कल्प कल्पांतर धरी भगवान विभिन्न प्रकार माया रचन करिथांती ये निश्चित भाव प्रभुंकर गोटे होती देवकूट माया तेबे जाओ आज आमर तो समय ही जाइछि आ निश्चित भाव आम होती पुणी आसंता काली ठीक यही निर्दिष्ट समय रे महाप्रभुंकर सिंह द्वारु पवित्र महाकार्तिक महात्म्य कथा गाथा पुराण आपण माने सुनिबे जय जगन्नाथ टीवी रो ये होती स्वतंत्र कार्यक्रम घरे बसी महाप्रभुंकर पतित पावन को दर्शन करने सहित महाप्रभुंकर क्षेत्र कार्तिक महात्म्यर कथा निश्चित भाव आपण श्रवण करिवे भीमस्या पीरण भंगो मुनिरपि मतिभ्रम जदि शुद्धम अशुद्धम बा मम दोष न विद्यते तेणु आजपाई आम यू रखी आमर आगामी कार्यसूची संपर्क सन्देश पाइबा सहित आमर होती सीधा प्रसारण जारी रहिबो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।